अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और यहाँ पर मैं आई हूँ फ़िश लेने। मॉर्निंग टाइम है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कैट है मेरे पास और वो फ़िश खाती है। टिम्मी नहीं खाता है, लेकिन दूसरी जो बिल्लियाँ हैं मेरे पास वो खाती है। तो ये 50 रुपीज़ का मैंने मांदेली फ़िश लिया है और वो बहुत ही चाव से खाते हैं ये फ़िश। और यहाँ मैं घर पे पहुँच गई हूँ, तो मैंने जस्ट ओपन किया है, लेकिन जो हमारा टिम्मी है वो फ़िश बिल्कुल नहीं खाता है। उसने बिल्कुल भी चखा भी नहीं है फ़िश कभी, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है फ़िश, वो सिर्फ़ चिकन खाता है। और यहाँ पर देखिए, ये कल है ना बाहर गया था और इसने ना अपना ऊपर का जो इसका बड़े बड़े दांत होते उसमें से एक दांत ये तोड़ कर आया है बाहर से। तो मैं दिखा रही हूँ लेकिन ये दिखाने नहीं दे रहा है। तो टिम्मी दिखाओ, प्लीज़ दिखाओ। मेरे ख्याल से ये ऊपर जो दीवार होती है ना, घेरा बना हुआ, उसके ऊपर ये चढ़ गया था और उस पर से धड़ाम से नीचे गिरा और ये उसका एक दांत टूट गया था। तो बेटा दिखाओ दांत। तो ये देखिए, ये दांत इसका पूरा है, लेकिन ये दूसरी साइड का जो इसका दांत है ना वो टूट गया है, तो ये दिखा नहीं रहा है। मैं ट्राई करती हूँ कि आपको दिखाऊँ। तो देखिए, ये देखिए, हाँ, इसका आधा टूट गया है पूरा दांत। और ये 2 दिन से कुछ नहीं खा रहा था, तो मैंने इसको दवाई ला के खिलाया है, तो अब इसको थोड़ा आराम है और फ़िलहाल के लिए चकाचक। तो मैंने नाश्ता बना लिया है। नाश्ते में मैंने 2 अंडों का ऑमलेट बनाया है और इसमें मैंने शिमला मिर्च और ऑनियन और टोमेटो वगैरह डाल के मस्त ऑमलेट बनाया है। और ये ब्राउन ब्रेड है, साथ में मैंने लिया है छाछ। तो बस अब मैं नाश्ता कर रही हूँ और नाश्ता करने के बाद मैं घर की क्लीनिंग करूँगी। तो नाश्ता वगैरह यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है और जो कपड़े वगैरह बिखरे पड़े थे और मैंने कुछ राशनिंग वगैरह यानी सब्ज़ी वगैरह जो भी दाल चावल होता है वो सारे मिक्सअप बहुत सारी चीज़ें लाया है, तो उसको भी समेटना है। और पूरे कपड़े घर में कपड़े थे, तो मैंने सोचा पहले इनको तैयार लूँ, घड़ी कर लूँ और उसके बाद जो राशन है उसको भी रख दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़े भी तैयार लिए हैं, घड़ी कर लिए, तो बस उसे मैंने रख दिया है तो आज मैं सोच रही थी कि मैं फ्रिज की सफाई कर दूँ, क्योंकि रमज़ान मतलब ख़त्म हो गए थे और उसके बाद भी मैंने मतलब क्लीनिंग नहीं किया, तो ये लगभग 2 महीने के आसपास हो चुका है और बकरा ईद भी आके चली गई, तो 2 महीने के आसपास हो गया। तो बस अब मैं सोच रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था फ्रिज और उसमें से थोड़ा स्मेल वगैरह भी आने लगा था, तो मैंने सोचा कि बस क्लीन कर देती हूँ आज, पूरा दिन यही करूँगी मैं। तो फ्रिज इतना गंदा तो नहीं है, क्योंकि वक्तन फक्तन मैं हाथ मारते रहती हूँ और आप देख सकते हो, तो क्लीनिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ जो सब्ज़ियाँ वगैरह है उसे समेटने में ज़्यादा टाइम लगा, बाकी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो आप देख सकते हो, और टिमी ने यहाँ पर मेरा पूरा साथ दिया है, उसने मेरे साथ पूरा जब तक मेरा फ्रिज क्लीन नहीं हुआ है तब तक उसने बराबर उसने मेरा साथ दिया। तो आप इंजॉय कीजिए, देखिए।
तो फाइनली मेरा फ्रिज बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो चुका है और इसका क्लीनलीनेस आप देख सकते हो कि ये कितनी अच्छी तरीके से साफ़ हुआ है और ये फाइनल लुक है इसका। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।